अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। माई नेम इज़ फरजाना, आई एम सिंधी टीचर। माई डियर स्टूडेंट, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तो ओपन करते हैं पेज नंबर 4। सबक दें, हमारे चैप्टर का नाम है पाण सगोरन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुश्मन सा वर्ताव। हमारे प्यारे नबी का दुश्मनों के साथ हुस्ने सुलूक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको भी सुनने में और पढ़ने में मज़ा आएगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा। यानी आप ना सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम मखलूकात, इंसान, हैवान, चरिन परिन के लिए सरापाए रहमतुल्लिल आलमीन हैं। दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की सीरत तैयबा पर लिखा हुआ ये सबक हमारे लिए एक अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने अरब के बाशिंदों को अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाया तो सारे अरब के लोग आपके दुश्मन बन गए और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। इन्हीं दिनों में एक बूढ़ी औरत जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के पड़ोस में रहती थी, वो ये करती थी कि सारे घर का गंद कचरा जमा करके रखती थी। और जब हमारे प्यारे नबी बैतुल्लाह की तरफ जाने के लिए वहाँ से गुज़रते थे तो वो गंद कचरा आपके ऊपर फेंकती थी जिससे आपके कपड़े ख़राब हो जाते थे। एक दिन आप इस जगह से गुज़रे लेकिन किसी ने आप पर कचरा ना फेंका तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिल में ख़याल किया कि बूढ़ी औरत आज नज़र क्यों नहीं आई। मालूम करने पर पड़ोस वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यानी असहाबा इकराम ने बताया कि वो बूढ़ी औरत बेचारी बीमार हो गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एकदम इस औरत की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए और बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी से इसकी खैरियत मालूम की। बूढ़ी औरत ने जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो वो हैरान रह गई और अपनी रोज़ाना की हरकत को याद करके बहुत शर्मिंदा हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे अच्छे अच्छे इखलाक का औरत पर ऐसा असर हुआ कि वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आते हैं चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड की तरफ। तो सबसे पहले जड़ें, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है जब, तढ़ें तब, थोड़ी, अलावा, माणू लोग, पाड़ी मोहल्ले, उछलाइंदी फेंकती, लगंदा गुजरना, मथा ऊपर, असहाबन हमारे प्यारे नबी के जो दोस्त और साथी थे उनको असहाबा इकराम कहा जाता है। बुधायो बताया, डिसी देखा, पांझी अपनी, इतरो इतना, सुठी अच्छी। उम्मीद है कि सबक की उम्मीद करती हूँ सबक की एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने सेकंड असाइनमेंट की तरफ। सेकंड असाइनमेंट में हमारे पास हैं 3 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरबस्तान जा माणू हुजूर जिन जा दुश्मन छो थी पया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पूरी औरत हर रोज़ केड़ी हरकत कंदी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सुठी इखलाक जो माई थी केड़ो असर थियो। नेक्स्ट पेज पर लिखिएगा खुलासा
खुलासे के हमारे पास 5 पॉइंट हैं। हिन सबक में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुठी सीरत जो जिक्र कयल आहे। पाण सगोरा दुश्मन सां बा सुठो सुलूक कंदा हुआ। पाण मरीज जी आयादत करण बा वेंदा हुआ। पाण सगोरन तमाम घणो नरम आई खुश मिजाज रहमदिल हुआ। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुठी इखलाक सब केतरा मानू मुसलमान थी वया। उम्मीद करती हूँ कि सेकंड असाइनमेंट आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। घर पर रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।